फिर से क्यों उड़ीसा जा रहे हैं, बट हम वैसे हो रहे थे कि रुक जाएं या चले जाएं, बट वहां पे एक्चुअली नहीं, हमें पहले से ही पता था जब हम आए थे उड़ीसा से, तब हमें पता था कि पिंकू जाने वाले हैं, बट मेरा कोई लाइक वैसा नहीं था कि मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं खुद आई थिंक कितने साल, 2 साल के बाद ना, हम खुद 2 साल के बाद उन्हें मिलने वाले हैं फाइनली। बाहर निकले हैं चाय वाय पीने के लिए दिन भर, आज एक्चुअली बहुत ज्यादा मैं भी बिजी थी एंड पिंकू तो आज बाप रे बाप, मतलब कल अच्छा हुआ हम डिनर चले गए थे यार, बाद में अगर वैसे बताओ आज मंडे है, ऑफिस था इनका, मतलब बहुत ज्यादा काम था एक्सट्रीम, मतलब हम दोनों ने बात तक नहीं किया, थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा काम मेरे को लग रहा है, ऑफिस वाले ने जानबूझ के काम दिए हैं, क्योंकि सब फोटो भाभी भी आज वही बोल रहे थे, भाभी ने भी मतलब सुबह मैसेज किया था कि लाइक हैप्पी वैलेंटाइन डे बोल के, फिर राम ने बोला कि क्या प्लान है आज, बोलो कुछ केक बेक बना रहे हो क्या, भाभी बोले आज ऑफिस वाले जानबूझ के ज्यादा काम दे रहे ताकि कोई कुछ ना कर पाए, बहुत ज्यादा काम था तो उनका भी वैसे ही, तो वही और अभी पूछ रहे थे उन लोगों को चाय पीने आए क्या, बट भैया का जो एक कॉल था तो फिर सभी का आज कॉल है, जस्ट पिंकू का जस्ट खत्म हुआ फिर हम आए, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए हमें, घर दिन भर घर में बैठे बैठे मतलब पूरा दिमाग जो है मतलब खतरनाक बंद हो गया था काम करना। एंड गाइस अगर किसी ने वैलेंटाइन डे का जो व्लॉग है नहीं देखा अभी तक, प्लीज जाके चेक कर लो, ऑलरेडी है चैनल पे, कल मैंने अपलोड कर लिया था, आ गया है, तो किसी ने अगर मिस कर लिया मैं ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगी, तो आप जाके चेक कर लो एंड कमेंट करना कि क्या कैसा लगा आप लोगों को। तो चलो फिर अभी आए हुए हम लोग चाय पर। एंड और एक चीज है, अगर किसी को नोटिफिकेशन वगैरह नहीं जा रहा है ना, देन बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि रोज ब्लॉग अपलोड करो पर मैं रोज ही करती हूँ, वीकली एक दो दिन वैसे बंद करती हूँ मैं, पर मोस्टली मैं रोज ही करती हूँ। अगर किसी को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप लोग को मेरा टाइमिंग जो है 7:30 पता है, तो आप लोग जाके चैनल पे चेक कर लेना। एंड अगर किसी दिन मैं लाइक अपलोड भी नहीं भी करती हूँ तो भी मैं कम्युनिटी पे अपडेट डालती हूँ कि मैं इस ब्लॉग जो है अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आप जाके 7:30 को चेक कर लेना अगर ब्लॉग मतलब आया होगा। 7:30 इवनिंग, 7:30 से हाँ 7:45 तक हो सकता है, लेकिन 7:45 से 45 भी नहीं हो जाए, 30 तो मैक्सिमम टाइम हमारा रहता है, एच एंड एवरी डे डेली ब्लॉगिंग का टाइमिंग है। वीकली कभी कभी एक एक ब्लॉग हम लोग नहीं देते हैं, जब तो भी कभी कभी हम लोग कम्युनिटी में हम लोग अपलोड कर देते हैं, बट 7:30 आप लोग जाके चेक करना कि ब्लॉग आया कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग को नोटिफिकेशन यूट्यूब का सम होगा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं जाता है, तो आप लोग चेक करना। तो चलो चाय लेके आओ फिर ना, मैं निकलूं, चलो निकलो, ठीक है चलो चाय पीते हैं, चाय पी के आते हैं, यहाँ का चाय बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कितना सारा कप पड़ा हुआ है आप देख सकते हो, मतलब इतना लोग बाप रे यहाँ पे आते हैं ना चाय पीने के लिए। मेरा चाय ज़्यादा जिंजर हो गया ना, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, तुमको तो जिंजर चाय ऐसे भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता। तुमको अच्छा लगेगा। हे गाइस, तो घर वापस आ गए एंड आने के बाद थोड़ा सा मैं बिजी रह गई थी, मतलब आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, बट यार थोड़ा सा रोटी बना लिया मैंने, क्योंकि सब्जी जो था दिन का था। एंड या आई नो आप लोग टाइटल देख के सोच रहे होंगे, टाइटल देख के सोच रहे होंगे कि हम लोग फिर से क्यों उड़ीसा जा रहे हैं, तो वही तो आप बोलोगे, हमें बोलो, हाँ बोलो, इन्हीं की वजह से जा रहे हैं।
एक्चुअली नहीं, हमें पहले से ही पता था जब हम आए थे उड़ीसा से, तब हमें पता था कि पिंकू जाने वाले हैं, बट मेरा कोई लाइक वैसा नहीं था कि मैं जाऊंगी, क्योंकि अभी जो है लाइक 16th को हम जा रहे हैं. डोंट वरी, ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं जा रहे हैं, 16th को जा रहे हैं, 26th को जो है हम लोग वापस आ जाएंगे. तो बस एंड जा इसलिए रहे हैं कि पिंकू का एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उनका लाइक बचपन का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो, तो उनका शादी है, दैट्स वाई. एंड जब हम वापस आ रहे थे उड़ीसा से, तब से ही हमें पता था, बट हम वैसे हो रहे थे कि रुक जाएं या चले जाएं, बट वहाँ पे मुझे लाइक वही ब्लॉगिंग एंड ऑल पे प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम लोग वापस आ गए थे. बट प्लान ये था कि जब तक लाइक ये जाएंगे पिंकू फैब पे, तब तक भैया भाभी आ जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली भैया का कुछ काम के चलते वो लोग नहीं आ पाए, तो इसीलिए मजबूरन मुझे भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अकेली नहीं रुक सकती हूँ यहाँ पे. तो दैट्स वाई मैं जा तो रही हूँ उड़ीसा, पर हाँ मतलब जो हमारा नेटिव है वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी, मैं भुवनेश्वर पे जो है मैं रुक जाऊँगी, मेरे जो ननद है उनके वहाँ पे. तो दैट्स वाई हम लोग उड़ीसा जा रहे हैं, बट डोंट वरी, आई नो मतलब ऐसा नहीं कि फिर से हम बहुत टाइम के लिए जा रहे हैं ब्लॉगिंग वगैरह, मतलब ऐसा हो सकता है कि हाँ एक दो दिन के लिए वीडियो में भी ना आए, क्योंकि मुझे लाइक थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि नानी के पास जो मेरी ननंद है उनके पास वैसा लाइक वाईफाई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो वगैरह अपलोड कर सकती हूँ, मतलब वैसे लाइक जो उनकी बेटी है उसकी पढ़ाई के लिए है उतना, पर देखेंगे होगा तो कहीं पास में साइबर कैफे या फिर कहीं पर अगर पॉसिबल हो पाया तो ट्राई करेंगे, मैं लाइक पिंकू जाके वहाँ पर अपलोड कर देंगे, तो ऐसा ही करेंगे कुछ, वही हमने सोचा है. तो दैट्स व्हाई हम लोग जा रहे हैं, मतलब जाएंगे, मैं भी दो तीन दिन के अंदर मैं आ जाऊंगा, भुवनेश्वर आ जाऊंगा, उसके शादी कंप्लीट करके आ जाएंगे. यस, उसके बाद हम लोग थोड़ा भुवनेश्वर में घूमेंगे. प्लान तो इस बार यही है, लेट्स सी, देखते हैं. लिपि नानी के घर तो हम लोग डेफिनेटली जाएंगे, वो तो एंड हाँ, तो जो कि हम बात भी करते हैं काफी टाइम, जो मेरी एक और एक ननद है जो कि हैदराबाद पे रहते थे जब हम हैदराबाद पे थे, तो अब इस बार पक्का उनसे मिलाऊंगी, क्योंकि मैं खुद आई थिंक कितने साल, 2 साल के बाद ना, 2 साल हम खुद 2 साल के बाद उन्हें मिलने वाले हैं, एंड फाइनली इस बार होगा आई थिंक मिलना हो पाया, क्योंकि वो भी भुवनेश्वर पे है. एंड इसीलिए एक्चुअली हमारा जो प्लान था ना, हम 21 को आ जाने वाले थे बैक, बट ड्यू टू दिस सिर्फ वो है, एंड अभी जो है उनका एक छोटा सा क्यूट सा बेबी भी हुआ है, तो जब जाएंगे और उनको पता हाँ, नहीं था कि सोम्या जा रही है, उनको खाली सिर्फ इतना मालूम था कि मैं जा रहा हूँ. हाँ, आप लोग को अपडेट करने के लिए सोम्या बोल दिया आज वीडियो में कि वो भी जा रही है, भुवनेश्वर में रुकेगी. बट हमने नहीं बोला था, ये वीडियो देख के जा रही है बोल के, राइट, बट उनको सरप्राइज देने वाले थे हम लोग, बट ड्यू टू दिस ब्लॉगिंग ना हम लोग सरप्राइज भी नहीं दे पाए एक्चुअली. पर अभी तक हमने ऐसा बोला था कि मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे रुक रही हूँ चिरंजीव भैया के घर पे, पिंकू बस जा रहे हैं, ऐसा हमने बोला था, बट नहीं मैं भी जा रही हूँ बस, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं जाती, मैं भी अगर और भी कुछ करके, बट वो उनका एक छोटा सा बेबी हुआ है, हम जा रहे थे उसको लाइक मिलते हुए आएंगे, एंड तब मैं लाइक दिखाऊंगी भी आप लोगों से, मैं अगर हाँ जाऊंगी अगर ही क्या यार, पर हाँ अभी वो लोग अगर अलाउ करेंगे दिखाने के लिए तो पक्का दिखाऊंगी, तो वैसा ही लव करेंगी. हाँ, तो वही, तो बस इसीलिए हम लोग ओडिशा जा रहे हैं, राइट. यस, बट ऐसा ही हम लोग बस 10 दिन के लिए जा रहे हैं, राइट. हाँ, 16th को जा रहे हैं, 26th को वापस आ जाएंगे, बस यही हमारा प्लान है, इसीलिए जो है हम लोग ओडिशा जा रहे हैं. छोटा सा अपडेट आपको देना था, इसलिए हम लोग सोचे कि आप लोग के साथ शेयर कर ले कि हम लोग ओडिशा जा रहे हैं. और अभी गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, मतलब डिनर अभी बना है, दिन भर आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि पैकिंग, मतलब कल छोड़ के हम परसों जा रहे हैं, परसों सुबह ही जा रहे हैं, पर मेरा पैकिंग का कुछ भी नहीं हुआ. इनको देखो जो शादी पे जा रहा है जो बंदा, उसने पैकिंग का कुछ भी मतलब शुरू ही नहीं किया. मेरा तो खैर छोड़ो, 2-3 नाइट सूट डालूंगी, 2-3 ड्रेस डालूंगी, हो जाएगा, क्योंकि तो मैं तो वैसे भी यहाँ पे नानी के घर रुकने वाली हूँ. बट इनका हमारे कार से हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे, वो तो बहुत ही मजा आ जाएगा सेल्फ ड्राइव करके. हाँ, पिंकू को लास्ट टाइम मजा आ गया खुद के कार पे आके, इसलिए बोल रहे हैं कि कार पे जाएंगे. उसका भी प्लानिंग पिंकू ने प्रॉपरली कर लिया है कि कैसे जाएंगे, कार पे जाएंगे, कार पर कार रखूंगा, क्या करूंगा, वो पूरा आते टाइम कार पे आएंगे, ऐसा सब सेट हो गया है. तो वही, तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग डिनर कर लेते, राइट, क्योंकि ये फिर अभी भी कॉल खत्म हुआ, फिर से जो है अंदर मेरे को बहुत सारा काम कम्प्लीट करना है, मुझे भी करना है बहुत सारा वीडियो वगैरह शेड्यूल करके भी रखना है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा दिन भर आज बिजी थे. तो चलो हम लोग डिनर कर लेते हैं, एंड फिर जो है मैं सुबह बात करती हूँ आप लोग के साथ. गुड नाइट.
हे गाइस, सो आज है नेक्स्ट डे एंड अभी लंच के बाद मैं थोड़ा बहुत जो है पैकिंग कर रही हूँ। कल रात को ज़्यादा पैकिंग तो नहीं कर पाई थी, बट कुछ कुछ हाँ जो मतलब फाइनल करके बाहर निकाल के मैंने रख लिया था, तो वो सब बस आज पैक कर रही हूँ। मेरा तो हो गया है बट पिंकू का नहीं हुआ है, क्योंकि वो कल रात भी काम कर रहे थे, तो आज उन्होंने बोला कि आज रात को जैसे भी करके पैक करेंगे। कुछ कुछ मैंने जो है मैं जो जो मुझे पता है मैंने उनका निकाल लिया है, एंड कुछ कुछ जो कि मतलब वो कौन से कुर्ता वगैरह पहनेंगे वहाँ पर शादी पर जो कि मुझे पता नहीं है, तो वो सब वो ही निकालेंगे फाइनली। और अभी जो है मेरा पैकिंग चला है। वैसे इस बार मैं ज़्यादा कपड़ा तो लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कहीं वैसे खास जाना नहीं है, 10 दिन के लिए ही जा रही हूँ। बस कुछ आधी जो लाइक डेली वेयर जितना होता है मोस्टली वही सब ले रही हूँ, बट हाँ कुछ आधी लाइक ऐसे ही 2-4 अच्छे कपड़े भी ले रही हूँ, क्योंकि कहीं पता नहीं ऑल ऑफ सडन जाना पड़ जाए, इसीलिए वैसा ही। और जितना भी आप देखो या आप लाइक जितना भी आप चाहो ना कम लो, फिर भी कुछ कुछ एक दो और एक रख लेती हूँ वैसा करके हमेशा हर बार जो है मेरा ऐसा ही पैकिंग बढ़ जाता है। एंड ओडिशा पे अभी भी थोड़ा बहुत ठंड है, तो वही विंटर वेयर के चलते सब कुछ जैकेट वगैरह वही 2-3 लेने के चक्कर में ही ना बहुत ज़्यादा लाइक वो सब बढ़ जाता है कपड़ा वगैरह। पैकिंग चल रहा है एंड इस बार मैं जितना भी जो लाइक जो लेके जा रही हूँ ना सामान, ऑलमोस्ट अभी मैं ट्राई करूँगी जो ट्रैवल पाउच जैसा मतलब छोटा छोटा जो बॉटल कैरी कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है बहुत दिनों के लिए जाते हैं इसलिए बड़े बड़ा लाइक लेके जाते हैं। इस बार सब कुछ छोटा छोटा ही लेके जा रही हूँ, ताकि लाइक ज़्यादा मतलब पाउच ना बने। इस बार लाइक ये एक ही बना है, वरना हर बार मेरा इस टाइप का 2 पाउच बन जाता है। इस बार मैं ट्राई करूँ कि एक ही के अंदर जितना भी मेरा लाइक स्किन केयर एंड जो भी लाइक जो मेकअप का जितना भी सामान जो भी कुछ है एसेंशियल जो भी सामान एक ही बॉक्स में जैसे हो जाए। बट कुछ कुछ ये मेरे पास में जो मामाअर्थ का हेयर मास्क है ना इतना बड़ा है इसका, लाइक मैं मेरे पास और कोई एक्स्ट्रा ऐसा लाइक बॉटल नहीं है जिसपे मैं डाल सकती हूँ, पर ना मैं उसको भी ले जाती, पर ये मजबूरन लेके जा रही हूँ। एंड ये भी ये दोनों इतना बड़ा बड़ा है ना, ये मेरा जो लेंस का जो माइसलर वाटर है वो भी, तो बस ट्राई कर रही हूँ जो हो पा रहा है सब कुछ, फेस वॉश वगैरह एंड ये जो मेरा हेयर सीरम ऐसे ही छोटा छोटा बॉटल सब कुछ लेके जा रही हूँ। और अभी पिंकू ने बोला कि थोड़ा सा भूख लग रहा है, थोड़ा चाय बनाओ, चाय बिस्कुट खाते हैं, क्योंकि आज ना लंच जो है हमने बहुत जल्दी कर लिया था, तो इसलिए अभी भूख लगने लगा है, तो इसलिए थोड़ा सा चाय बना रही हूँ। एंड यहाँ पे ये जो बैटर है ना वो भी मैंने कल बनाया था, पर फर्मेंटेशन नहीं हुआ था इसलिए इसको रख लिया था, तो आज हो गया है, तो थोड़ा सा ही बनाया था इस बार एक्चुअली, तो क्योंकि हम वैसे भी कल जा रहे हैं तो इसको रात को इसका जो लाइक डोसा या कुछ बना लूंगी, तो वही आज का रात का प्लान वही है। तो बस अभी चलो चाय बिस्कुट थोड़ा सा खा लेते हैं, और बस चाय बन गया। चलो पिंकू को दे के आ जाती हूँ, क्योंकि वो कॉल पे है तो वहीं पे खा लेंगे आई गेस, तो उनको उनके रूम पे दे देती हूँ, कॉल पे है। With this world query, here I'm uploading actual statement by. So अभी almost evening हो रहा है, बहुत सारे मच्छर आ जाएंगे, तो नेट को बंद कर लेते हैं। पर ये नेट का ना एक प्रॉब्लम ये है, बहुत केयरफुल है, अगर बंद नहीं करोगे ना तो ये लॉक हो जाता है, कोई अगर बाहर आ जाएगा और बंद कर लेगा तो वो बाहर ही लॉक हो जाएगा। पिंकू के साथ ऐसा 2 बार हो चुका है, और यहाँ पे कुछ काम चल रहा है उसी चीज का आवाज आ रहा है। एंड आज बहुत दिनों के मतलब इस बार एक्चुअली मैं बहुत दिनों के बाद रस्क लेके आई थी, उस दिन मैं मतलब ऐसे ही बहुत टाइम से ऑनलाइन से ऑर्डर कर रही हूँ ना, तो याद नहीं आता है जब बस आप सामने लाइक जाते हो शॉपिंग करने के लिए, सामने देखने के बाद याद आता है, तो तब मुझे रस्क लेगा तो ले आई डी। तो वास करें चलो सबसे जो व्लॉग भी है मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है और थोड़ा बहुत पैकिंग जो फाइनल पैकिंग है वो करूँगी, क्योंकि कल हम अर्ली मॉर्निंग मतलब 10 बजे तक निकल जाएंगे घर से, तो वो करूँगी। एंड डिनर वगैरह का प्रिपरेशन है, ये वाला जो व्लॉग है इसको भी जो है मुझे एडिट ख़त्म करके अपलोड मतलब करके शेड्यूल वगैरह करना है, तो चलो सबसे जो व्लॉग है यही पैन करती हूँ। होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सबसे आप सब पहने वो ब्लर जेड करो, देन मैक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूला, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाला ओडिशा के ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।